बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। एचआरडीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने अपनी वित्तीय देनधारियों में विलंब को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो वह आगामी चुनाव में सरकार के विरुद्ध वोट का प्रयोग करेंगे। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि संगठन पिछले 3 महीने से अपनी वित्तीय देनदारियों को लेकर मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया है। पेंशनर आज बुरी हालत में, जहां तक मेरा ख्याल है कि वो इस आयु में अब जीवन की अपनी सांझ में संघर्ष में अगर उतरे हैं, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उनका उनकी सुध ले, उनकी समस्याओं का निदान करे। अभी केवल पेंशनर ही नहीं, सेवा में जो कर्मचारी है उसकी भी दयनीय स्थिति है, उनके वित्तीय लाभ सारे रुके पड़े हैं। और दिन रात सेवा में, एक तरफ तो सरकार कहती है कि एचआरटीसी का कर्मचारी और पेंशनर वो भी अपनी सर्विस में रहा है, ये वैश्विक बीमारी जो आई, वैश्विक जो महामारी आई यहाँ कोरोना की, उस समय कोरोना योद्धा की तरह, कोरोना योद्धा का उनको दर्जा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने जिनको उन्होंने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, ऐसा बर्ताव ये असहनीय है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। सरकार के समक्ष मेरी यही विनम्र निवेदन है सरकार के समक्ष कि वो जल्दी ही इस बारे में निर्णय ले। प्रस्तावित रैली मंडी में है, उसमें कार्यकर्ता हम पूरे प्रदेश के पेंशनर से जो जो इस विरोध प्रदर्शन में, इस जागरूकता अभियान में पेंशनर आएंगे, हम सभी का आह्वान करते हैं मंडी पहुंचे और इस सरकार की जो हमारी उत्पीड़न हमारा कर रही है उस उन नीतियों का खुलासा करें। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। डॉक्टर बत्रास मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक्स अब आपके शहर कांगड़ा में।